नमस्कार, मेरा नाम कंचन सैनी है। मैं एज अ रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट तुलसी हेल्थ केयर में काम कर रही हूँ। आज हम एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने एंजाइटी के बारे में सुना ही होगा, इट इज़ अ नॉर्मल इमोशन और थोड़ी बहुत एंजाइटी तो हम फील करते ही हैं। जैसे एग्ज़ाम से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले या कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हम ऐसा फील करते ही हैं। लेकिन ये एंजाइटी अगर बढ़ जाए और इसका इम्पैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ने लगे तो यह एंजाइटी डिसऑर्डर का भी रूप ले सकती है। जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम एंजाइटी को उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं जितने कि हमें उसे देनी चाहिए, जिसकी वजह से आजकल बच्चे, यंगस्टर्स एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आम तौर पर हम यह सोचते हैं कि स्ट्रेसफुल इवेंट ही एंजाइटी डिसऑर्डर होने का कारण हो सकता है। तो आइए हम कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं। पहला, न्यूरल बायोलॉजिकल फैक्टर। हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे केमिकल्स की मदद से हमारे मूड को बैलेंस करते हैं, लेकिन सीवियर और लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से उसमें डिस्टर्बेंस होने से एंजाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना हो जाती है। अगला, जेनेटिक। यदि किसी व्यक्ति के परिवार में मानसिक बीमारी होने की हिस्ट्री होती है तो 70-80% चांसेस बढ़ जाते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी होने के, जैसे कि OCD एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है। नेक्स्ट, मेडिकल कंडीशन। यदि व्यक्ति को किसी शारीरिक बीमारी है जैसे कि थायराइड, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, अस्थमा जैसी बीमारियां भी एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। जॉब स्ट्रेस, लव एंड डेथ, ब्रेकअप, पॉल्यूशन जैसी चीज़ें भी एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण बन सकती हैं। बहुत से व्यक्ति अपने दुख को भूलने के लिए, कम करने के लिए नशीले पदार्थ जैसे अल्कोहल, कैनबिस जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन वह दुख को कम नहीं करते हैं बल्कि वह दुख को बढ़ा देते हैं। जब नशीले पदार्थ का असर कम होता है तो जो दुख होता है वो दुगना हमें फील होता है। नेक्स्ट, चाइल्डहुड ट्रॉमा। यदि किसी व्यक्ति ने बचपन में ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स को एक्सपीरियंस किया हो जैसे कि ओवरली कंट्रोल अपब्रिंगिंग, सेक्सुअली अब्यूज, बुलिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कॉन्फ्लिक्ट, फ्रीक्वेंटली स्कूल चेंजेस, फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग्स जैसी स्ट्रेसफुल इवेंट भी एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण बन सकते हैं। ऐसे ही चाइल्डहुड ट्रॉमा और एनवायरमेंटल अफेक्ट की वजह से देखा गया है कि एंशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि एंजाइटी बढ़ जाए तो ये OCD जैसी मानसिक बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें व्यक्ति ऑब्सेशंस बढ़ने पर कंपल्सिव बिहेवियर भी करने लग जाता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एंजाइटी क्या है। यदि एंजाइटी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि एंजाइटी के रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।